कहती हुंदी सी जान तगड़ा बना दे तारे ने पसंद हेठा सहारे ला तो फ्रेंड्स अभी आप जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हो फोटो चेंज वाला फ्रेंड्स ये जो वीडियो का सॉन्ग है ये रील्स पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आप देख सकते हो कितनी रील्स बन चुकी है और फ्रेंड्स बनती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह का सॉन्ग पर कुछ इस तरह के मतलब फोटो चेंज वीडियो बनाते हो तो आपका वीडियो वायरल होने के चांस बढ़ जाएंगे क्योंकि फ्रेंड्स सॉन्ग एकदम ट्रेंड में। उस देखिए आपको इस तरह का वीडियो बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, वीएन ऐप को ओपन कर लेना है, प्लस पर क्लिक कर देना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास वीएन ऐप नहीं है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर देखिए आपको उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए इसे कितना रखना है, तो यहाँ पर इसे जितना मैं आपको बता रहा हूँ आपको रख लेना है। तो यहाँ पर 0.72s रख लेना है, ठीक है। अगर आपके इसमें डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको एक बार बैक करना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको देखिए सेटिंग पर क्लिक कर देना है, ये आप पहले भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए आपको फर्स्ट वाले पर क्लिक कर देना, ठीक है, यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन पर। और उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर पहुँच जाओगे डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 72s रख लेना है, तो इस तरह से भी कर सकते हो, उस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। तो प्लस पर क्लिक कर देना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अब आपको फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने फोटो ले लेना है। तो कितने फोटो लेना है, तो आपको 18 फोटो की जरूरत रहेगी, ठीक है, 18 फोटो आपको ले लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो अगर जैसे कि आपके पास 8 से 9 फोटो है तो उनको आप डबल बार ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी मेरे पास अपने फोटो नहीं है तो मैं इस लड़की के फोटो ले रहा हूँ, ठीक है, लड़की के फोटो ले लेता हूँ। तो यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस लड़की के फ्रेंड्स पूरे फोटो नहीं है, 15 ही फोटो है, तो मैं जो बाकी के 3 फोटो है उनको क्या करूँगा, तो उनको कुछ नहीं करूँगा, जो 15 है उनमें से किसी 3 फोटो को डबल बार ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेता हूँ मैं 15 फोटो फटाफट। अच्छा, यहाँ से मैंने 15 सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले आइकन पर। तो यहाँ पर 3 फोटो अभी हमारे पास कम है, तो पहले क्या करते हैं, देखिए ये वाले फोटो को मैं डबल बार ऐड कर लेता हूँ। तो ऐसा करना है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये डुप्लीकेट पर क्लिक कर दोगे आप तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा, इस डुप्लीकेट को हम लास्ट में ले जाएंगे, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपको जो बाकी के 2 फोटो है उन्हें भी कुछ इसी तरह से कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसे भी लास्ट में ले जाता हूँ, ठीक है, ये देखिए। और उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो वोटर मार्क है इसको आपको डिलीट कर देना है, यहाँ पर आना है और इसे डिलीट कर देना है, ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है, ये डिलीट हो चुका है। उसके बाद अब आपको आगे आना है और जो शुरू के जो 14 फोटो है फ्रेंड्स उनको आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर 0.72s रहने देना है उनको, ठीक है, ये 14 फोटो। तो यहाँ पर देखिए और जो बाकी के 4 फोटो है, 1, 2, 3, 4 पीछे के जो 4 है उनको आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों फिंगर से जूम करना है, फोटो पर क्लिक करना है, पीछे के जो 4 फोटो उन पर क्लिक करना है, ठीक है। और इसे आपको कर लेना है 1.33s, ठीक है, 1.33s कर लेते हैं। तो बाकी के जो 3 फोटो उनको भी मैं कुछ इसी तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने पहले एडिट करके देख लिया, ठीक है, उसके बाद ही आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आप करोगे तो आपकी वीडियो एकदम परफेक्ट बनेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने स्पीड फास्ट कर दी, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, आपको भी कर लेना। ये देखिए 1.33s कर लिया मैंने पीछे के 4 फोटो को, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सब कुछ सेट करके रखा, आप जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आपको वैसा वैसा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पहले फोटो पर आना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, ब्लैक वाला सिलेक्ट कर लेना है और उसको आपको रख लेना है 0.40s, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 40 पे ले जाते हैं, ये देखिए। और उसके बाद आपको राइट कर देना है, तो जो बाकी के फोटो है उनको भी आपको कुछ इसी तरह से कर लेना, ठीक है। और अगर आप इसमें डायरेक्ट लगाना चाहते हो ऑल पर क्लिक कर देना तो सब में लग जाएगा। अब ये जो पीछे के 4 फोटो इसमें भी लग चुका है तो इसको हम चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए जो पीछे के 4 फोटो है, मतलब के 4 फोटो है उसमें से आपको फर्स्ट वाले फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कौन सा लगाना है तो आपको देखिए कुछ इस तरह से आगे बढ़ाना है और यहाँ पर जेटल वाला लगा देना, ठीक है। और ये जितना आगे जा सके आपको इसे ले जाना है, यहाँ पर आपको पीछे नहीं ले जाना, ठीक है, जितना ये आगे जा सके उतना ले जाइएगा। उसके बाद राइट कर देना, तो बाकी के जो 3 फोटो है इसमें भी आपको कुछ इसी तरह से कर लेना, ठीक है। तो कर लेता हूँ मैं फटाफट। तो फ्रेंड्स जरूरी नहीं कि आप ये इफेक्ट लगाओ, ठीक है, आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हो, ठीक है, जो आपको लगे। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने कर लिया और राइट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको टेप टू ऐड म्यूजिक पर क्लिक कर देना है, ठीक है, और यहाँ पर फिर म्यूजिक पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक करना है,
प्लस पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट फ्रॉम वीडियो पर क्लिक कर देना है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने सॉन्ग का लिंक दे रखा, आपको उसे डाउनलोड कर लेना ठीक है पहले ठीक है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है ठीक है। ओके पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर सॉन्ग आ जाएगा देखिए ठीक है। तो यहाँ पर चूज पर क्लिक कर देना आपको, और यहाँ से राइट कर देना है, और उसके बाद यहाँ से हम प्ले करेंगे तो आपको आपकी वीडियो कुछ इस तरह से बन जाएगी। लेकिन आपको एक काम और करना है ठीक है, मैं आपको अब बता रहा हूँ। यहाँ पर ओरिजिनल पर क्लिक करना है, 9/16 जरूर सिलेक्ट करना है। नहीं करोगे तो फ्रेंड्स आप रील्स पर अपलोड कैसे करोगे ठीक है, इसलिए आपको ये जरूर सिलेक्ट करना है ठीक है। उसके बाद अब आपको प्ले करना है, देखिए हमारी वीडियो अच्छी तरह से बन जाएगी, ये देखिए कुछ इस तरह से फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारी वीडियो काफी ज्यादा मस्त लगेगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर वीडियो एकदम परफेक्ट बनी है आपके सामने, मैंने प्ले करके दिखाई, मैंने पहले सॉन्ग लिया भी नहीं था ठीक है। यहाँ पर आपके सामने अभी हाल सॉन्ग लिया हमने, और हमारी वीडियो एकदम परफेक्ट बनी, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने पहले से सेट करके रखे थे कि कौन सा फोटो में कितना डायरेक्शन रखेंगे तो कैसा लगेगा ठीक है। इसलिए मैंने जैसा आपको बताया वैसा आपको कर लेना है ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको राइट कर देना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एक लाइक तो बनती है, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है ये सब समझने में। तो मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग, बाई।